हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स एक्सरसाइज पेज नंबर 14 पे जो आपको दी है। राइट द नंबर जस्ट आफ्टर एंड द नंबर जस्ट बिफोर द गिवन नंबर, कि आपको जो नंबर दिए हैं उनके आपको बिफोर नंबर एंड आफ्टर नंबर लिखने हैं। मीन्स जो नंबर दिया है इसके बिफोर मीन्स पहले कौन सा नंबर आता है, आफ्टर मीन्स जो नंबर दिया है इसके बाद में कौन सा नंबर आता है वो आपको लिखना है। जैसे कि फर्स्ट नंबर आपको दिया है 2999, तो जस्ट बिफोर, इसके बिफोर मीन्स पहले कौन सा नंबर आएगा। देखिए 99 यहाँ पे हमें दिया है, अगर हम यूनिट और टेंस देखेंगे तो 99 है, इसके पहले कौन सा नंबर आएगा तो 98 आएगा। तो 2998 ये बिफोर नंबर। और हम क्या कर सकते हैं, बिफोर नंबर मीन्स इसके पहले का अगर नंबर हमें निकालना है तो माइनस भी कर सकते हैं। अगर हम देखिए यहाँ पे करके देखते हैं कि अगर 2999 -1 करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 2998 मिलेगा। अगर हमें आफ्टर मीन्स इस नंबर के बाद में नंबर जो है उसे अगर निकालना है तो हम प्लस वन कर सकते हैं कि 2999 +1 करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा, हमें 3000 मिलेगा। तो इस तरीके से आप बिफोर एंड आफ्टर के नंबर निकाल सकते हो। सिर्फ बिफोर नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, माइनस वन करना होगा, और आफ्टर नंबर निकालने के हमें प्लस वन करना होगा, तो भी हम इजीली निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हम 98 यहाँ पे लिखा हमने, नेक्स्ट क्या दिया है कि जस्ट आफ्टर, ये जो नंबर दिया है इसके बाद में, तो हम क्या करेंगे प्लस वन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3000। नेक्स्ट नंबर हमें क्या दिया है 3800, तो इसके पहले हमें निकालना, जस्ट बिफोर इसके पहले, तो हम एक माइनस नंबर वन करेंगे, माइनस वन करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमें 3799 मिलेगा। नेक्स्ट है कि हमें आफ्टर नंबर निकालना है, तो हमें नंबर क्या दिया है 3800, तो इसमें प्लस वन करेंगे तो क्या आएगा 3801। नेक्स्ट है 7798 दिया है, तो इसमें से वन माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7797 आएगा। 98 में प्लस वन करेंगे तो क्या आएगा 99 आएगा, तो आफ्टर नंबर में लिखेंगे 7799। नेक्स्ट है 1000 नंबर दिया है, इसमें से वन माइनस करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा हमें 999 मिलेगा। और आफ्टर नंबर के लिए हम प्लस वन करेंगे तो 1000 में वन अगर मिलाते हैं तो क्या मिलेगा 1001 मिलेगा। नेक्स्ट है 3459, इसमें से वन माइनस करेंगे तो क्या आएगा 58 मीन्स 3458 आंसर आएगा। और अगर हम इसमें से इसमें प्लस वन करेंगे तो क्या आएगा 3460 आएगा। नेक्स्ट है 5009 में से अगर वन माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5008, और अगर 9 में यहाँ पे प्लस वन करेंगे तो क्या आएगा 5010। तो यहाँ पे जब नंबर लिखते हो तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन से डिजिट कहाँ पे आते हैं, तो ही आपके नंबर क्या हो सकते हैं यहाँ पे सही आप लिख सकते हो। तो काफ़ी इजी है, बिफोर नंबर के लिए माइनस वन कीजिए, जो भी नंबर आपको दिया जाएगा उसमें से वन माइनस करेंगे तो बिफोर नंबर मिलेगा, प्लस वन करते हो तो आपको जस्ट आफ्टर जो नंबर है वो नंबर मिलेगा। तो आई होप आपको ये जो कंसेप्ट दिया है यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर नंबर का वो समझ में आया होगा स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।